सातवें चरण के प्रचार को लेकर के सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज अंतिम दिन है, ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दो रैली करेंगे। सम्राट चौधरी बक्सर और सासाराम में जनसभा को संबोधित करेंगे। सम्राट चौधरी के साथ साथ यहां पर सारण के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए नेताजी प्रचार पर हैं और देखिए सम्राट चौधरी बक्सर और सासाराम में यहां पर जनसभा करने वाले हैं, साथ ही इनके राजीव प्रताप रूड़ी भी मौजूद रहेंगे। तो सम्राट चौधरी बताते चले आपको कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और देखिए तेजस्वी यादव हैं जो कि जनसभाएं करने वाले हैं और इनकी जो है चार जगह जनसभा होगी, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद और नालंदा में ये रैली करने वाले हैं। तो लगातार ये आखिरी मौका है और ऐसे में सभी ने अपनी ताकत झोंक दी है। पटना में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं तेजस्वी यादव। तो लगातार आपको बताते चलें तेजस्वी यादव की भी रैली होनी है और ऐसे में सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये आखिरी मौका है और ऐसे में बताते चलें आपको आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है। लोकसभा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज सभी दल के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार प्रचार करेंगे। इसके बाद 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है और 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। तो पटना निर्वाचन आयोग के कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव निर्धारित किए गए, 6 चरणों का जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है और 7वें चरण का चुनाव जो है वो 1 जून को होने हैं। और बताते चले कि पिछले 76 दिन से लगातार तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो जनता के बीच जाकर के, मतदाताओं के बीच जाकर के अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे और आज 7वां चरण यानी कि आखिरी जो चरण है उसका प्रचार जो है वो शाम को थम जाएगा। तमाम नेता जो हैं आज चुनाव मैदान में जा रहे हैं और चुनाव मैदान में जाकर के जनता के लिए वोट जो है वो मांगेंगे। और बताते चलें कि 7वें चरण में 8 लोकसभा सीट है जहां पे ये मतदान होने हैं, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, जहानाबाद, आरा, बक्सर, काराकाट, ये वो 8 लोकसभा सीट है जहां पे 1 जून को वोटिंग होगी। और आज आखिरी चरण का आखिरी मतदान जो होने हैं उसको लेकर के आखिरी चुनाव प्रचार आज होंगे। और बताते चले कि ये 8 जो लोकसभा सीट है उसमें 134 प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में है। सबसे अधिक प्रत्याशी जो है वो नालंदा जिले से जो है वो चुनाव मैदान में है। 7 चरण का चुनाव जो है वो पूरा हो जाएगा 1 जून को और 4 जून को जो है वो मतगणना होगी। तो सबकी नज़र जो है इस पर है और आज आखिरी चरण का आखिरी जो चुनाव प्रचार है वो शाम को थम जाएगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।